नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अगस्त मंगलवार दोपहर के राजस्थान की खास खबरें। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी सेकंड में स्थित राधा कृष्ण गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ने हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। छात्रा ने बताया कि वह उक्त हॉस्टल में वर्ष 2017 से रह रही है। वर्तमान में वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। कल 30 अगस्त की दोपहर लगभग 1:15 बजे के आसपास हॉस्टल का संचालक केएल यादव स्कूटी पर सवार होकर आया और उसे कहा कि पुरानी वादी स्थित इंडियन अकेडमी की ओल्ड ब्रांच में चलना है। बातों में विश्वास होने के बाद वह केएल यादव के साथ चली गई। केएल यादव ने अकेडमी का दरवाजा खोला और इसके बाद वे दोनों अंदर चले गए। केएल यादव ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। यादव उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तो उसने इसका विरोध किया। इसके बावजूद उसने उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ शुरू कर दी और इस दौरान उसके गले व शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोंची आ गई। आरोप है कि केएल यादव ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान पीड़िता रोने लगी। जैसे तैसे वह उसके चंगुल से छूटकर वापस हॉस्टल आई और सारी घटना की जानकारी सहेलियों व परिजनों को दी। पीड़िता अपने परिजनों व अन्य सहेलियों के साथ पुलिस थाना पहुंची। पुलिस ने बताया कि देर रात केएल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। छात्राओं ने हॉस्टल के बाहर धरना लगाकर केएल यादव की गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर एसीबी ने नागौर में बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी बीएड कॉलेज संचालक को 10,000 रुपये में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी सतनाम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी सही राम ने एसीबी में शिकायत दी थी कि निजी ग्रीनवुड शिक्षण संस्थान डिडवाना का संचालक बीएड छात्र की उपस्थिति पूरी बताने की एवज में उसे 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने निदेशक सरवर खान उर्फ सुल्तान खान को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। डूंगरपुर में मां की डांट से नाराज एक बेटे ने कीटनाशक दवा पीकर जान दे दी। घटना से परिवार सदमे में है। वहीं परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। वर्धा थाना पुलिस के अनुसार हुक्की डामोर में रिपोर्ट में बताया कि उसका 19 वर्षीय बेटा अनिल डामोर अपने दो छोटे भाई बहन को लेकर गाँव में ही अपनी बहन नर्मदा के घर गया था। जब वह वापस लौटा तो माँ हुकी ने उसे बारिश में बच्चों को लेकर जाने के लिए डांट दिया। माँ की डांट से अनिल इतना नाराज हुआ कि घर में रखी फसल में डालने वाली कीटनाशक दवा पी ली, जिससे उसे उल्टियाँ होने लगी। परिजन उसे डूंगरपुर अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही अनिल ने दम तोड़ दिया। बीकानेर जोधपुर राजमार्ग पर नोखा नगौर के बीच स्थित श्री बालाजी गांव के पास एक क्रूजर गाड़ी और ट्रेलर की आमने सामने भिड़त हो गई। भिड़त में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। 7 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नोखा और बीकानेर के अस्पताल में रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार क्रूजर में सवार सभी मध्य प्रदेश के सज्जन खेड़ाव दौलतपुर के निवासी हैं। जिला नोखा नागौर की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शवों को श्री बालाजी मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। आमतौर पर कोर्ट में प्रेम विवाह करने के लिए लड़का और लड़की चोरी चुपके से पहुंचते हैं, लेकिन बाड़मेर जिला न्यायालय में सजे धजे दुल्हा व दुल्हन और लोगों को देखकर एक बार वकील भी चौंक गए। बाड़मेर के दो जोड़े कोर्ट में मैरिज करने सज धज कर और घर वालों के साथ कोर्ट पहुंचे। हर कोई यह पूछने लगा कि आखिर यह कौन है, क्या घर से भाग कर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों के परिवार वाले साथ थे और कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचे थे। एडवोकेट सुरेश सोनी के अनुसार बाड़मेर निवासी अनिल खत्री ने MP के इंदौर की रहने वाली बबीता से प्रेम विवाह किया है। उसी के लिए दोनों घर पर हिंदू रीति रिवाज पूरे करने के बाद दोनों न्यायालय के सामने शादी के जोड़े में आए हैं। दोनों की कागजी कार्रवाई की गई। करौली जिले के हिंडौन सिटी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां करंट लगने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिजन बालक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बालक नहाने के बाद छत पर कपड़े सुखाने गया था, उसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। 10 वर्षीय बालक विक्रम जाटव अपनी बहन के पास रह रहा था। स्कूल बंद होने के कारण वह अपनी बहन के घर आया था। वह अलवर के गंजखेड़ली के मनोहरपुर का निवासी है।
पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के गिद्दड़वाह में पुलिस ने एक देव व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देव व्यापार के अड्डे से 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान सामने आया है कि इस जगह पास के शहरों से लड़कियां लाई जा रही थी और उनसे देव व्यापार का धंधा करवाया जाता था। पुलिस के अनुसार एक महिला फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि गिद्दड़वाह में गुरु तेग बहादुर नगर से शिकायतें मिल रही थी कि यहां कुछ लोग देव व्यापार का धंधा चला रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की तो इस देव व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर कस्बे में 2 घरों में चोरों ने हाथ साफ कर दिए। यहां से बड़ी राशि और गहने चोरी होने की आशंका है। हालांकि मकान मालिक मौके पर पहुंचे तथा चोरी हुए सामान का अनुमान लगाया जा रहा है। वारदात कस्बे के अरुणवंश धर्मशाला के पीछे वाली गली में वेद प्रकाश सोनी और छगनलाल सोनी के घरों में हुई। वेद प्रकाश और छगनलाल आपस में रिश्तेदार हैं तथा शहर के करीब 8 किलोमीटर दूर गांव खाट लबाना में जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर पर धावा बोला। पुलिस ने आसपास के घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक ठग ने अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाने के नाम पर महिला शिक्षक के खाते से ऑनलाइन 40,000 रुपये पार कर लिए। पुलिस ने बताया कि कुदन निवासी पूजा महरिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह वर्तमान में आनंद नगर में रहती है। उसका कहना है कि उसके मोबाइल पर एक शख्स का फोन आया। उसने पूछा कि वह अपने बेटे को उनके स्कूल में पढ़ाना चाहता है। इसके बाद वह स्कूल में प्रवेश फीस के बारे में पूछने लगा और फीस के एडवांस रुपये भेजने के लिए उसने शिक्षिका के खाता नंबर मांग लिए। शिक्षिका ने बैंक UPI का लिंक भेजा। इसके 10 मिनट बाद ही उसके खाते से अलग अलग बार ठग ने करीब 40,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार ऑडी कार से भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। खबर के मुताबिक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे लगे पावर पोल पर जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7वें व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में हौसरू से विधायक का बेटा भी शामिल है। यह दुर्घटना कोरमंगला के मंगल कन्वेंशन हॉल में एक पास हुई। जानकारी के मुताबिक एक लग्जरी ऑडी कार के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 3 महिला और 4 पुरुषों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again. We'll be right back.